हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र। दोस्तों नमस्ते, आज हम बात करेंगे सदाबहार सुपरस्टार रहे देव आनंद साहब की। फिक्र को धुएं में उड़ा। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1930 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। देव आनंद का पूरा नाम धर्म देव पिसोरी मल आनंद था। साल 1943 में वे अपनी पढ़ाई पूरी कर मुंबई आ गए। उस समय उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। उन्होंने एक सस्ते होटल में एक किराए का रूम लिया जिसमें उनके साथ 3-4 लोग रहते थे। धीरे धीरे उनके पास के पैसे खत्म हो रहे थे तो उन्होंने नौकरी करने की सोची। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें एक नौकरी मिली। इस नौकरी में उन्हें सैनिकों की चिट्ठी को उनके परिवार को पढ़कर सुनाना पड़ता था और इसके लिए उन्हें 165 रुपए की पेमेंट मिलती थी। मैं आया हूं। एक साल के करीब नौकरी करने के बाद देव आनंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास आ गए। चेतन आनंद भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़े हुए थे। हम अजनबी थे, तुम थे। इस तरह देव आनंद को भी छोटे मोटे रोल मिलने लगे। एक बार इसी नाट्य संघ में बलराज शाहनी एक नाटक जुबैदा कर रहे थे। उस नाटक में देव आनंद को 10 लाइन का एक डायलॉग दिया गया। इस डायलॉग को वे रात भर रटते रहे और दूसरे दिन रिहर्सल के लिए पहुंच गए, पर कई प्रयासों के बाद भी देव साहब डायलॉग नहीं बोल पाए। कब भी कभी मिलते हैं प्यार के प्यार भी तो हो। और बलराज साहनी ने उन्हें नाटक से बाहर कर दिया। उन्हीं दिनों निर्देशक पीएल संतोषी अपनी फिल्म हम एक है के लिए एक नए अभिनेता की तलाश में थे। देव साहब को जब इस बात का पता चला तो वो भी ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। स्क्रीन टेस्ट में देव आनंद को कोई भी एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। फिर क्या था, एक्शन बोलते ही देव साहब ने उसी नाटक की 10 लाइनें जिसे बोलने पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया था बोल दी। इन 10 लाइनों ने निर्देशक पीएल संतोषी पर अपना असर दिखाया और देव साहब को उनकी पहली फिल्म मिल गई। गम पे धूल डालो, कह कहा लगा लो। उनकी पहली फिल्म तो चली नहीं, मगर साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी सफल रही, जिसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और नवकेतन बैनर की स्थापना की और एक के बाद एक कई फिल्मों के लिए काम किया। कई कामयाब फिल्मों का निर्माण भी किया। देव साहब की फिल्मी करियर में बाजी, मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, CID, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी, गाइड और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी कई सफल फिल्में शामिल हैं। देव साहब अपने पहनावे और लुक्स के लिए बेहद चर्चित थे और इन्हीं पहनावों में एक था उनका सफ़ेद शर्ट पर काला कोट पहनना। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, मगर यह सच है कि सफ़ेद शर्ट पर काला कोट देव साहब पर इतना जचता था कि लड़कियां उन्हें देखने के लिए दीवानी हुई जाती थी। रंग है बिखरे हैं बाल भी, इस दिल रुबा का नजारा हो। खबरों के मुताबिक देव साहब को काले कोट में देखकर लड़कियां उनकी एक झलक देखने के लिए छत से छलांग तक लगा दिया करती थी, अपनी जान तक दांव पे लगा दिया करती थी।
ये पहली बार था कि किसी अभिनेता के पहनावे को लेकर अदालत को बीच में आना पड़ा। इसी दौरान देव साहब की फिल्म काला पानी रिलीज हुई और सफल भी रही। तभी अदालत ने भी अपना फैसला सुनाते हुए देव साहब को काला कोट पहनने पर रोक लगा दी। साल 2001 में देव आनंद को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण का सम्मान दिया गया और साल 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 3 दिसंबर 1911 के दिन देव आनंद साहब ने लंदन में दुनिया को अलविदा कह दिया। प्यार का पलछी सपना बनी वो रात। तो दोस्तों, ये थी देव आनंद साहब के बारे में कुछ जानकारियाँ। यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।